दोस्तों नमस्कार। आज हम इसको डेग है पुराने जमाने का और ये ट्रांजिस्टर वाला है, इसको बनाएंगे हम ब्लूटूथ एम्पलीफायर। क्योंकि कैसेट का जमाना तो गया, यहाँ कैसेट लगा करती थी पहले। और ये इसका हेड है, यहाँ पे ये पुल्ली है, इसको चलाया करते थे पहले बड़ी शौक से लोग। तो अब हम इसको ब्लूटूथ एम्पलीफायर बनाएंगे दोस्तों। इसको हम खोल लेंगे। तो दोस्तों हमने इसको खोल लिया है और हम इसका मेन लीड का प्लग पावर बोर्ड में लगाएंगे। तो ये मैंने लगा दिया है और यहाँ लाइट भी जल रही है। ये इस तरफ से देखिए, इधर इसकी मोटर भी चल रही है दोस्तों, ये व्हील घूम रहा है। और हमने स्पीकर का वायर भी लगा दिया है, ये यहाँ हमारा स्पीकर है, ये रखा हुआ है साउंड बॉक्स। हम इसको काटेंगे और इसमें हम ब्लूटूथ पैनल लगाएंगे। तो दोस्तों हमने इसको खोल लिया है, इसको कट लगाएंगे यहाँ। और हम ये वाला ब्लूटूथ पैनल हम लगाएंगे इसमें। तो इसमें ये ब्लूटूथ पैनल है, कुछ पिनें वगैरह दी हैं, ये वोल्टेज के लिए है, 5 वोल्टेज के लिए पिन है। और ये इसके साथ में रिमोट है, उसके नाप लेकर हम काट लेंगे। तो दोस्तों हमने ग्राइंडर कटर लिया है और यहाँ हमने लोहा काटने वाला पत्ता लगा लिया है, तो उससे इसको काट देंगे, आसानी से कट जाएगा। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप शोल्डर एंड आयरन की मदद से इसको पगला करके ऐसा काट सकते हो। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन कट जाएगा। तो दोस्तों ये कट गया है और इसको थोड़ा शोल्डर आयरन की मदद से इतना और काट लेंगे। तो दोस्तों हमने इसको काट लिया है, ये अभी लगा कर देखेंगे इसमें। तो दोस्तों ये आसानी से लग जाएगा। तो हम इसकी पहले वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये लाल वाला वायर है, ये हम 5 वोल्ट में लगाएंगे इसके। ग्राउंड है, तो ये काला वाला वायर हमने ग्राउंड में लगा दिया है। और 3 वायर और लेंगे हम। तो दोस्तों अब हम 3 वायर और जोड़ेंगे इसमें, जो ऑडियो आउटपुट करेंगे। ये ग्राउंड का जोड़ दिया हमने बीच में और ये आउटपुट ऑडियो वाला जोड़ दिया है। इसकी वायरिंग हो गई कंप्लीट। दोस्तों इसमें हम एक बार और जोड़ सकते हैं, इधर जो FM का एंटीना बनेगा तो वो भी जोड़ ही लेंगे। तो दोस्तों ये सफ़ेद वायर हमने ले लिया है और इसके एंटीना के पॉइंट में
लगा देंगे, एफ एम चलाएंगे तब ये काम करेगा एंटीना के रूप में। तो दोस्तों इसकी वायरिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसमें इसको कसेंगे, ये वायर यहाँ से निकाल लेंगे सभी। तो दोस्तों इसको हमने इसमें फिटिंग कर दी है और अब हम इसको कसेंगे। ये हम नट डाल लेंगे पहले। तो दोस्तों हमने इसके दोनों नट डाल लिए हैं और ये वायर भी हम यहाँ से निकाल लेंगे इसके बाजू से। ये मैंने निकाल लिया अंदर से और इसको हम कस देंगे। दोस्तों ये फिटिंग अच्छे से आ चुकी है। तो दोस्तों इस बीटी कार्ड को चलाने के लिए हमको 5 वोल्ट की ज़रूरत है, 5 वोल्ट इसमें अभी है नहीं, इसमें हम बनाएंगे 5 वोल्ट। तो इसके जो फालतू लैग हैं इनको देखेंगे ये कितना वोल्ट निकाल रहे हैं। एसी 750 वोल्ट पर मीटर को सेट किया है, अब हम यहाँ एसी वोल्ट देखेंगे इसके कितने आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तो इसका 25 आ रहा है और इस पे देखेंगे यहाँ दोस्तों 5-6 5-6 हो रहा है, तो यहाँ 5 वोल्ट निकल आएगा। तो हम यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे एक छोटा सा और उसमें कैपेसिटर लगाएंगे 16 वोल्ट का या 10 वोल्ट का, तो वहाँ से 5 वोल्ट हम बना लेंगे, तो वो दिखाते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों हमने इसका ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें हमने 1000 UF और 16 वोल्ट का कंडेंसर लगाया है। दोस्तों अगर आप इसको बनाना नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो इसको लगाएंगे अब हम। तो दोस्तों ये इसके इनपुट लैग हैं, तो हम यहाँ इनमें एसी इनपुट कराएंगे जो 5 वोल्ट है इसमें। तो दोस्तों ये हमने जोड़ दिया है। तो दोस्तों अब हम इसका वोल्टेज देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये हमने 1000 DC की रेंज पे हमने मीटर को सेट किया है और ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव। तो दोस्तों इसमें 5-6 के करीब वोल्ट आ रहा है, तो इसके लिए हम एक और डाइवोल्ट यहाँ लगा लेंगे या इस तरफ ताकि 1 वोल्ट और कम हो जाए। दोस्तों ये डाइवोल्ट लिया हमने 4007 नंबर का, तो इसका ये प्लस पॉइंट है, इसका माइनस लगाएंगे यहाँ, तो ये 1 वोल्ट ये पिएगा तो हमको वहाँ कम मिल जाएगा और हमारा ब्लूटूथ पैनल ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमारे ब्लूटूथ पैनल के वायर हैं, तो ये हम नेगेटिव में लगाएंगे और ये पॉजिटिव है, 5 वोल्ट आएगा यहाँ।
तो ये हमने यहाँ लगा दिया है और इसको हम अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर देंगे। तो दोस्तों देखिए ये चालू हो गया है पैनल। अब हम इसके आउटपुट के वायर इनपुट में जोड़ेंगे ऑडियो बोर्ड के। तो इसके इनपुट हमने यहाँ दे रखे हैं, ये वॉल्यूम से आए हुए हैं। इधर देखिए इधर से होते हुए जी इधर आए हैं। दोस्तों ये इसका इनपुट वायर है और यहाँ सिग्नल भी आ रहा है जी। तो यहाँ हम ये आउटपुट वाले वायर जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये वायर हम जोड़ लेंगे इनपुट में आउटपुट का, और ये इसका ग्राउंड है तो ये हम ग्राउंड में जोड़ देंगे। और ये दूसरे चैनल का है आउटपुट, और ये दूसरे चैनल का इनपुट है, इसको भी हम यहाँ जोड़ देंगे। दोस्तों ये दो वायर हैं जो ये इसके हेड चलाने के लिए होते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको नहीं जोड़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको चला कर देखेंगे अब हम। दोस्तों इसमें FM से चल रहा है, अब हम इसमें कुछ म्यूजिक चला के दिखाएंगे। तो इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। Bluetooth mode. दोस्तों ये ब्लूटूथ मोड पे चला गया है। दोस्तों इसका मोबाइल का हमने ब्लूटूथ चालू कर दिया है और इसको कनेक्ट करेंगे अब। ये आ गया BT-V9M। तो दोस्तों ये कनेक्ट हो गया है। दोस्तों हमने इसका NCS म्यूजिक निकाल लिया है और इसको अब प्ले करके दिखाएंगे। दोस्तों इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है और बहुत शानदार है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो इसी वीडियो के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।